अक्षय को देखते सरकार ने खोला खजाना, बनेगी 42 नई बॉर्डर पुलिस चौकी। आयल जी सिन्हा ने आतंकवाद पर कही ये बड़ी बात। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा है कि अगले वित्त वर्ष के लिए सुरक्षा संबंधी गतिविधियों पर 1200 करोड़ से अधिक रुपए खर्च होंगे, जिसमें 42 नई बॉर्डर पुलिस चौकियां बनेंगी। पंचायती राज के लिए 3730.83 करोड़ तो कृषि और संबंधित क्षेत्र के लिए 2029.95 करोड़ मंजूर किए गए। सिन्हा ने कहा कि आतंकवाद पर लगातार एक्शन हो रहा है, सुरक्षा और बॉर्डर चौकियों पर खर्च किए जाएंगे 1200 करोड़ रुपए, बनेंगी 42 नई बॉर्डर पुलिस चौकियां। पंचायती राज के लिए 3730.83 करोड़ रुपए। रविवार को उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि अगले वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान सुरक्षा संबंधी गतिविधियों पर 1200 करोड़ से अधिक की धनराशि मंजूर की गई है, जिसमें 42 नई बॉर्डर पुलिस चौकियां बनाई जाएंगी। इससे सीमांत क्षेत्रों में घुसपैठ रोधी तंत्र को मजबूत किया जा सकेगा। उपराज्यपाल ने रविवार को जम्मू कश्मीर के लिए 2024-25 के बजट के विभिन्न पहलुओं को बताया। उन्होंने कहा कि राजस्व और पूंजी खर्च के तहत 1284.45 करोड़ रुपए सुरक्षा संबंधी गतिविधियों के लिए रखे गए हैं। इससे 1218 सामुदायिक और व्यक्तिगत बंकर सीमांत क्षेत्र के लोगों के लिए बनाए जाएंगे। पुलिस स्टेशनों में बुनियादी सुविधाओं, पुलिस पोस्ट, पुलिस हाउसिंग कॉम्प्लेक्स के अलावा इंट्रा परेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को लागू करने का प्रोजेक्ट शामिल है। उन्होंने कहा कि बजट सुशासन, जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करने, सतत कृषि विकास, जम्मू कश्मीर में निवेश का माहौल बनाने पर केंद्रित है। सुशासन के तहत सभी पंचायतों के कार्यालयों को ई ऑफिस से जोड़ा जाएगा। पूंजी खर्च के तहत 5038 करोड़ रुपए जल सप्लाई और सिंचाई, ग्रामीण विकास और पंचायती राज के लिए 3730.83 करोड़, कृषि और संबंधित क्षेत्र के लिए 2029.95 करोड़, स्वास्थ्य और वेलनेस के लिए 1875 करोड़, पर्यटन के लिए 4069.20 करोड़ मंजूर किए गए हैं, शिक्षा के लिए 1300.10 करोड़, आवास एवं शहरी विकास के लिए 2329.55 करोड़ मंजूर किए गए हैं। आतंकवाद पर तेजी से कार्रवाई हो रही है, हम अपना काम करते रहेंगे। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने रविवार को जम्मू कन्वेंशन सेंटर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पहाड़ी समुदाय को ST का दर्जा दिए जाने की लंबी समय से की जा रही है मांग को पूरा किया गया है। इससे पहले आरक्षण का लाभ ले रहे गुज्जर बकरवाल पर फर्क नहीं पड़ेगा।